में यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के बाद शीतला माता के मंदिर में जाते हैं और इतना शांति मिलती है हमको कि हम प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं माता का आशीर्वाद लेने, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूजा का भरपूर आनंद लें, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है। ईश्वर के अनुकंपा से 2 साल के बाद फ्री हैंड आपको पर्व त्योहार मनाने का मौका मिला है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, दुर्गा पूजा है और आज नवमी है, इसको लेकर आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष प्रवक्ता सुनील सिन्हा पटनदेवी पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता की पूजा की है, जिसके बाद उन्होंने तमाम बिहार वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुर्गा पूजा देखने की अनुमति की है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिन्हा, पहले आप सुने। बड़ी पटन देवी सबको देना, माँ का दर्शन करने के लिए कई वर्षों से हम यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के बाद शीतला माता के मंदिर में जाते हैं। हमारे मास्टर जी बगल में है, इनके भी जो पिताजी थे, जो महंत जी थे सिंगल, वो भी सेवा करते करते जो है अब इनको अब दे दिए है ना। और इतना आस्था और इतना पवित्र मंदिर और इतना शांति मिलती है हमको कि हम प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं माता का आशीर्वाद लेने और शीतला माता का। इसलिए हम बिहार के जनता से यही कहेंगे कि शांति से सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूजा का भरपूर आनंद लें, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है। ईश्वर के अनुकंपा से 2 साल के बाद फ्री हैंड आपको पर्व त्योहार मनाने का मौका मिला है। इसलिए माँ पटनेश्वरी देवी का बहुत बहुत कृपा है और इसी तरह से कृपा बनाए रखें और हम लोग बराबर आ करके इसी तरह सेवा में लगे रहें, यही मेरी शुभकामना। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुनील सिन्हा ने बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं, वहीं तमाम चीज़ों का जिक्र भी किया और कहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल में 2 साल लोगों ने दुर्गा पूजा नहीं मनाया और अब जब दुर्गा पूजा चल रहा है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आनंद से दुर्गा पूजा मनाएं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पटन देवी पहुंचे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो महंत हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते जा रहे हैं और तमाम बिहार वासियों को और देशवासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।